मैं गुरुकुल में टीचर हूँ। बापूजी के पूरे भारत भर में 40 से ज़्यादा गुरुकुल चल रहे हैं, तो उसमें कुछ गुरुकुल ऐसे हैं जो गरीब बच्चों के लिए भी चलाए जाते हैं। तो ऐसा दिल्ली में रजोकरी में एक छोटा सा गुरुकुल चलता है जो गरीब बच्चों के लिए स्पेशली बापूजी ने खुलवाया, ताकि जो बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, जो फीस नहीं भर सकते और जिनको अच्छे संस्कार चाहिए, उनके लिए बापू ने स्पेशली वो गुरुकुल खुलवाया। तो वहीं पर मैं सेवा में रत हूँ, जिससे कि वो बच्चे आते हैं, उनको अच्छे संस्कार और दिव्य संस्कार से वो सुनियोजित बच्चे बनते हैं, और अध्यात्म में ऐहिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या भी उनको उस गुरुकुल में मिलती है। ऐसे ही अपने पूरे भारत भर में 40 से ज़्यादा गुरुकुल हैं जो पूज्य बापूजी की प्रेरणा से चलाए जा रहे हैं। अच्छा, आप आश्रम बापूजी से कब से जुड़े और आपको क्या फ़ायदे हुए इसके बाद? मैं पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू से 2005 से जुड़ी हुई हूँ, और इतना लंबा समय मैंने बापू जी के आश्रम में लगातार आती रही। मेरा पूरा परिवार आश्रम में आता है और सभी ने दीक्षा भी ली हुई है। पूज्य बापू जी के लिए, उनके प्रति जो हमारे हृदय में एक दृढ़ श्रद्धा है, हमने जो आश्रम में आकर जो वातावरण शुद्ध पवित्र आध्यात्मिक वातावरण में अपने जीवन को उन्नत किया, वो हमारा अनुभव हम अपने शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। पूज्य गुरुदेव की हम पे बहुत अनुकंपा है, अति कृपा है। उनकी इस कृपा के कारण ही ऐसी सेवा हमें मिली जो गुरुकुल में हमें रुचिपूर्ण सेवा में रत हैं। और मेरी माता जी, मेरे पिताजी प्रिंसिपल हैं, उनके अपने भी स्कूल हैं, वो अपने स्कूलों के साथ साथ गुरुकुल में भी सेवा देखते हैं, आते हैं, और मुझे उन्होंने ये सौभाग्य दिया कि मैं गुरुकुल में सेवा करूं। अच्छा, आप अभी भी उनके आश्रम में जाते हैं, आपको नहीं लगता कि उनके आश्रम बंद हो गए ऐसा बताया जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हम आश्रम में जाते हैं। यहाँ मैं दिल्ली से आई हूँ, अहमदाबाद इतनी दूर, और गर्मियों के समय में लोग गर्मियों में कहाँ कहाँ टूर करने जाते हैं, हिमाचल में कहाँ कहाँ दूर दूर दूर, लेकिन हमारा कैसा हमारा भाव पूज्य गुरुदेव की कृपा से बना कि हमें छुट्टियों का समय मिला तो भी हमने दिल्ली से अहमदाबाद को चुना, ताकि हम इस समय पे अपने अध्यात्म, अपने अंदर की स्थिति को और बढ़ा सकें। हमें जो गुरुदेव ने दिया, तो इसीलिए हम इन छुट्टियों का समय सार्थक करने के लिए अहमदाबाद आश्रम में आए। अच्छा, अभी बापू जी के ऊपर आरोप लगा और उनको दोषी करार दिया गया और उनको न्यायालय ने दोषी करार देकर सजा दे दी गई उनको, तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, बापूजी का जो अभी 25 तारीख को जो फैसला आया, और लगभग 5 साल से पूज्य बापूजी जेल में हैं, तो ये फैसला वास्तव में बिल्कुल अन्यायपूर्ण न्यायालय की तरफ से आया है। हम इसके साथ बिल्कुल सहमत ही नहीं हैं, और हम क्या बापूजी के 8 करोड़ साधकों की 1% भी श्रद्धा नहीं हिली इस फैसले के आने के बाद, बल्कि उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि अब तो लगता है कि कितना अन्याय बढ़ गया है समाज में, अब हम न्यायालय पे भी विश्वास नहीं कर सकते, किस पे विश्वास करें। और ये जो भी बापूजी पे आरोप लगे बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जिस समय की लड़की ने ये घटना बताई है, 10 बजे से 10:30 बजे रात के समय, उस समय पूज्य बापूजी वहाँ थे ही नहीं कुटिया में। रात के 7:45 बजे से शाम के, और रात को 12:30 बजे से उस कुटिया से दूर बापूजी, 30-40 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था, और वो जो लड़की बताती है, वो लड़की भी उन्हीं सत्संगियों के बीच में थी, और वहाँ पर मंगनी का कार्यक्रम भी हुआ था 12:30 बजे तक। 12:30 बजे के बाद ही बापूजी ने वहाँ से उठे और कुटिया में जाने के लिए मतलब वहाँ से गए। तो ये जो घटना लड़की ने बताई, ये बिल्कुल निराधार है, बेबुनियाद है जो उसने बताया कि इस समय पे ये घटना घटी। हमारे पास पूरा फुल प्रूफ है उस चीज़ का, फ़ोटो वीडियो के साथ हमारे पास वो प्रूफ है। हमने ये प्रूफ के साथ न्यायालय में भी दिया गया, लेकिन हमारे इस प्रूफ को अनदेखा करके न्यायालय में जज ने जो निर्णय सुनाया, वो बिल्कुल बिल्कुल निराधार है। हम उसके साथ सहमत ही नहीं है। हमारे जो सबूत हमने न्यायालय में दिए गए हैं, उनको देख के क्यों नहीं निर्णय दिया गया? कम से कम एक लड़की बोलती है, और हम इतनी सारी बहनें लड़कियां यहाँ पर हैं, बापूजी के 8 करोड़ शिष्य, उसमें से कम 6 करोड़ तो बहनें ही होंगी, तो उन बहनों की तो कोई सुनता नहीं है। आज मैं भी बोल रही हूँ, मेरी बात को क्यों नहीं न्यायालय सुनता? और भी कितनी बहनें इस बात को विद प्रूफ बोल रही हैं, हमारे पास फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, हमारी बात को आगे रखा जाए, तो क्यों नहीं हमारी बात को आगे रखा जाता? क्यों न्यायालय नहीं सुनता? क्यों सरकार नहीं सुनती? तो इस चीज़ पर मैं
विनती करती हूँ कि सरकार इसको ध्यान दे, न्यायालय पुनः विचार करे और पूज्य बापू जी को जल्दी से जल्दी जेल से रिहा करें, ताकि जो साधक तड़प रहे हैं, इतने उनके शिष्य हैं, भक्त हैं, वो सभी पूर्ण बापू जी का पुनः लाभ ले सकें। हाँ, मीडिया में जो दिखाया जा रहा है और बहुत कुछ ऐसे कि बलात्कार, रेपिस्ट, इस तरीके से संबोधित किया जा रहा है, समाज को गुमराह किया जा रहा है, इससे आपको क्या लगता है? मैं इस बारे में बोलना चाहूँगी कि 2013 में जब बापूजी के ऊपर ये आरोप लगा था, उस लड़की ने लगाया था, तो उस समय जैसे ही लड़की ने आरोप लगाया तो पूरी मीडिया में केवल एक ही बात थी। तो जब न्यूज़ वाले, मीडिया वाले तो दिखाते हैं, जो भी दिखाते हैं, लड़की को तुरंत मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया कि आखिर सच्चाई क्या है। मेडिकल टेस्ट में जो रिपोर्ट आई उसमें रेप की पुष्टि ही नहीं हुई। सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि जब मेडिकल में रेप की पुष्टि ही नहीं, तो मेडिकल की धारा तुरंत हटा दी गई और मीडिया केवल एक ही बात बोल रहा था, 376 में रेप की धारा बापूजी के ऊपर लगी है, यानी रेप का आरोप बापूजी के ऊपर लगा। और जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आई तो रेप की धारा तुरंत हटा दी गई, 376 हटा दी गई। केवल यौन शोषण का आरोप बापूजी के ऊपर लगा, लेकिन वो भी साबित नहीं हुआ था। और 2013 में एबीपी न्यूज़ चैनल की वीडियोस हमारे पास हैं, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, उसमें अजय लांबा, जो वहाँ के उन्होंने जिनके अंडर में ये सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उनके पास पूरा एविडेंस था कि वो मेडिकल रिपोर्ट के साथ उन्होंने मीडिया में बोला कि 376 की धारा हटा दी गई है और रेप का आरोप नहीं है। आज 2018 में पूज्य बापू जी को जो आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, आश्चर्य की बात है कि वो केवल और केवल रेप की धारा 376 के ऊपर सुनाई गई उसके आधार पे। तो आखिर क्यों, हमारा ये सवाल है, आखिर क्यों इतना बड़ा अन्याय क्यों? आप 2013 की बात को तो भूल गए और आज इस चीज़ पर आपने सज़ा सुना भी दी, तो ये तो इससे बड़ी साजिश तो हम मान ही नहीं सकते। ये इतनी बड़ी साजिश आखिर क्यों हुई, हो रही है धर्म, हिंदू धर्म के संतों के साथ, हमारे पूज्य बापू जी के साथ? तो इस पे हम सवाल उठा रहे हैं, कृपया इस पे ध्यान दें और इस पे पुनः विचार करें और इस पे शीघ्र न्यायालय हमारी इस बात को आगे तक सोचे, पुनर्विचार करें कि वास्तविकता आखिर क्या है। हाँ बिल्कुल, हमें लगता है पूज्य बापू जी निर्दोष थे, हैं और रहेंगे, वो निर्दोष बरी भी होंगे। और समय का चक्र है, देखो अभी जिस तरीके से बापू जी ने जो समाज में कार्य शुरू किए, ईसाई क्रिश्चियन मिशनरियाँ जो धर्म परिवर्तन करने में लगी हुई थी और पूज्य बापू जी ने उसको रोकने के लिए कहाँ कहाँ कितने कितने सामाजिक कार्य शुरू करवाए ताकि ये धर्म परिवर्तन रोका जाए और हिंदुओं को जो प्रताड़ित हैं, गरीब हैं, उनको पैसे दे के धर्म परिवर्तन करवा के उनको क्रिश्चियन बनाया जा रहा था। पूज्य बापू जी के पास ऐसे एक क्रिश्चियन सोलोमन नाम के व्यक्ति भी आए जो इस क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने स्वयं पूज्य बापू जी के सामने अपनी बात रखी कि बापू जी मैं तो इन मिशनरियों के साथ था और मैं यहाँ पे भारत में केवल और केवल धर्मांतरण करने के लिए भेजा गया हूँ। तो बापू जी को आश्चर्य हुआ कि अच्छा, तो कितनी सत्य बात है। वो सोलोमन नाम के जो व्यक्ति हैं उनको आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, उनकी पूरी वीडियो है, वो साफ स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि कैसे किस तरीके से हम लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे। और पूज्य बापू जी से जब वो जुड़े, आश्रम में आए, तो उनको वास्तविकता का पता चला कि वास्तव में हिंदू धर्म कितना महान है, कितना ऊंचा है। उन्होंने वो धर्म परिवर्तन करने का जो रास्ता था वो छोड़ दिया। क्रिश्चियन मिशनरियों ने इसके लिए उनके ऊपर काफ़ी बल जोर डाला कि ऐसा क्यों कर रहे हो, और भी प्रेशर डाला, लेकिन वास्तविकता थी वो बापू जी से जुड़े और उन्होंने इस कार्य को छोड़ा। और बापू जी ने उसको रोकने के लिए ये सब प्रयास किए, तो वो लोग करोड़ों, अरबों, खरबों रुपया खर्च करके आज वो अपने इस मुकाम में सफल होते हुए तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमारे पूज्य बापू जी बाहर आएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, और शीघ्र आएंगे।